गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग सौरभ, आकांक्षा, अंजू, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, इस चैनल पे डेली 11 बजे यहाँ पे एप्टीट्यूड के लिए क्लास चलती है और CSIR नेट, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जाया करो। अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, केमिकल, फिजिकल या मैथमेटिकल या लाइफ साइंस, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि भाई फ्लैट 50% ऑफ यहाँ पे चल रहा है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर। तो यहाँ पे आप जो भी आपका कोर्सेज है, चाहे आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे MSc एंट्रेंस, गेट, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के लिए आप अलग से भी कोर्स परचेस कर सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, IFS 50, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आपको IFS 50 कूपन कोड अप्लाई करना है, तो फ्लैट 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। राइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो इसको अवेल आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो बैचेस हैं वो 14th of August से यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। तो जाइए, चेकआउट करिए एक बार जाके IFSonline.com साइट हमारी, और वहाँ पे जिसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे गेट है, CSIR नेट है, अपकमिंग एग्जाम जो भी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करें सेशन को, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम फोकस में क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। करें भाई, सभी लोग रेडी हैं 2 मिनट्स चैलेंज सीरीज के लिए, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का मैं समय दूंगा। ओके, रेडी है? ठीक है, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है कि इसके जो राइट अप्रोच है उस क्वेश्चन का वो क्या होना चाहिए। सो यू मे स्टार्ट। गुड मॉर्निंग अजीत, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए सेशन में और इन क्वेश्चंस को करिए। चलिए, या तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करो, या मैंने एक पोल क्रिएट किया है, वहां पे भी आंसर कर सकते हो। ओके, देखिए क्वेश्चन को, तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ रहा है। ओके, ठीक है,
हमसे कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द विनर गॉट 82% ऑफ द टोटल वोट कास्ट, यानी कि जितने भी वोट कास्ट किए गए हैं। देखो जब भी वोट कास्ट होते हैं ना, वोट को जब कास्ट किया जाता है तो सारे के सारे जो वोट्स होते हैं वो वैलिड वोट्स नहीं होते, उसमें से कुछ इनवैलिड भी हो जाते हैं। इनवैलिड का मतलब जो फेक वोट्स होते हैं, जो डुप्लीकेट वोट्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो वोट्स हैं दो तरह के, एक होते हैं वैलिड वोट और दूसरे होते हैं इनवैलिड, राइट। तो कह रहा है 82% यानी कि विनर को 82% वोट्स मिले हैं ऑफ द टोटल वोट कास्ट एंड द वोन द इलेक्शन बाई अ मेजोरिटी ऑफ 3840, 3840 वोटों से वो जीत गया, यानी कि इतने वोट उसके ज्यादा थे एज कंपेयर टू द लूजिंग पार्टी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इफ नो वोट इज डिक्लेयर इनवैलिड। कह रहे हैं यहाँ पे जो इनवैलिड वोट्स है वो जीरो हैं, तो हमको बताइए कि वो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट किए गए वो कितने होने चाहिए। ऑप्शन डी आ रहा है, ओके। बहुत ही आसान है, अगर विनर 82% वोट्स पाता है तो लूजिंग पार्टी है बाकी के वोट्स उसको मिलेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ कास्टिंग वोट अगर मैं 100% मानता हूँ तो उसमें से 82% मिलेंगे विनर को और 18% मिलेंगे लूजर को। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस, 64% का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 64% है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू, क्यों, इतने वोट से ये जीत रहा है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू, यानी कि 64% इज इक्विवेलेंट टू दिस, देन 1% विल बी इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू। वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट आर कास्ट। तो कास्ट वोट कितने हैं, 100, यानी कि 100% का वैल्यू दैट विल बी दिस। यानी कि 6000। कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो बताइए। ऑल राइट तो यहां पे जो वैलिड और इनवैलिड वोट की बात कर रहे हैं तो इनवैलिड वोट यहां पे जीरो है, यानी कि सारे के सारे जो वोट कास्ट किए गए हैं वो क्या होंगे, वैलिड होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, फिर अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। ऑप्शन ए, ओके। सभी लोग ट्राई करें, क्वेश्चन क्या बोला गया है, इस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ओके, देखो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पे एक बेल को बजाया जा रहा है, बेल पी क्यू और आर, ठीक है। तो एक फ्रिक्वेंट
कि उनकी एक फ्रिक्वेंसी बन रही है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये दोबारा से बार बार बज रहे हैं। एलसीएम निकालेंगे। ओके देखो, देयर आर थ्री बेल्स पी क्यू आर आर रंग पीरियोडिकली इन अ स्कूल, पी रंग एवरी 20 मिनट्स, यानी कि जो पी बेल है वो हर 20 मिनट के बाद बजती रहती है, और क्यू हर 30 मिनट के बाद बजती है, और आर हर 50 मिनट के बाद। अब ये कह रहा है इफ ऑल द थ्री बेल्स आर रंग एट 12 PM, यानी कि तीनों के तीनों जो बेल्स हैं अगर 12 बजे एक साथ बजती हैं, अगर दोपहर में 12 बजे तीनों अगर एक साथ बजती हैं, तो हमको ये बताना है व्हेन विल द थ्री बेल रिंग टुगेदर अगेन द नेक्स्ट टाइम, अगले समय कब ये तीनों बेल फिर से एक साथ बजेंगे। देखो, पी अगर हर 20 मिनट में, क्यू अगर हर 30 मिनट में, और आर अगर हर 50 मिनट में बज रही है, तो हमको क्या करना है नेक्स्ट, यानी कि जो लीस्ट टाइम, यानी कि जो सबसे पास में जो टाइम है 12 बजे के बाद, वो हमको बताना है कि जब ये तीनों एक साथ बजेंगे। तो जब भी लीस्ट टाइम यानी कि सबसे क्लोजेस्ट टाइम के बारे में बात हो, तो हम लेंगे यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। जो भी यहाँ पे टाइम ले रहा है, जो भी इनकी फ्रिक्वेंसी है, वी विल टेक एलसीएम। सो द एलसीएम ऑफ 20, 13, 50, दिस विल बी कितना हो जाएगा, 200, नहीं ये हो जाएगा 300। ठीक है, यानी कि ऐसी छोटी सी छोटी वैल्यू, एलसीएम किसे बोलते हैं, ऐसी छोटी छोटी वैल्यू जिससे ये तीनों नंबर्स 20, 30, 50 डिवाइड हो जाएं पूरी तरह से, तो यानी कि 30 मिनट्स, अगले 300 मिनट में ये चीज़ फिर से रन होगी एक साथ, यानी कि बजेगी एक साथ। 300 मिनट का मतलब कितने घंटे, 5 घंटे, 5 आवर्स। 12 बजे के बाद 5 बजे, 5 घंटे, यानी कि दिस विल बी शार्प 5 PM, इट इज ऑप्शन नंबर ए। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, एलसीएम ले लेना है। अगर आपको जब भी इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी दे रखी है कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये चीज़ दोबारा से रंग होती है, तो बताइए दोबारा से यानी कि सेकेंड टाइम कब एक साथ फिर से रिंग होगी। तो यू हैव टू जस्ट टेक द एलसीएम, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी सभी को आ गया ना समझ में? ओके चलो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज। देखो परसेंटेज का ये सवाल है, क्या कह रहा है, ओके ऑल राइट, ओके ऑप्शन सी। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स, जो विजिटर्स की जो संख्या है कितना परसेंट से इंक्रीमेंट उनमें हो रहा है, वी हैव टू फाइंड दैट। और बताइए,
समय समाप्त। देखो हमसे कह रहे द एंट्रेंस टिकट ऑफ एन एग्जीबिशन वॉज ₹5, यानी कि एक जो एंट्रेंस टिकट है एग्जीबिशन का उसकी जो एक टिकट की कीमत है वो ₹5 है। कह रहा लेटर इट वॉज डिक्रीज बाय 20%, यानी कि फिर बाद में क्या हुआ, 20% से इसकी जो कीमत है वो घट गई। 5 का 20% कितना होगा, 5 का 20% दैट विल बी ₹1। तो ₹1 से इसकी कीमत अगर घट जाती है तो जो उसका नया प्राइस हो जाएगा पर टिकट दैट विल बी ₹4। ठीक है नाउ एंड दस द सेल अमाउंट इज इंक्रीज बाई 44%। अब ये कह रहा है ऐसा करने पर जो सेल अमाउंट है वो 44% से इंक्रीज कर जाता है। तो एक काम करते हैं, देखो सेल प्राइस का मतलब है, मान लेते हैं उसकी जो सेल है वो कितना हुआ, ₹100 की सेल हुई है। ठीक है, ₹5 का एक टिकट है, ₹100 की अगर सेल हुई है मान लेते हैं, इस सेल में 44% का इंक्रीमेंट आया है, तो नई सेल कितनी होगी, आफ्टर 44% इंक्रीमेंट द न्यू सेल विल बी ₹144। ओके, उसके बाद यह है पुरानी सेल और यह है नई सेल। हमसे कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स, तो भाई अगर मैं विजिटर्स की संख्या निकालूंगा यहां पे कितनी आएगी, जितनी भी टोटल सेल हुई है और जितना एक टिकट का अमाउंट है उससे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ विजिटर्स आ जाएंगे, यानी 20 विजिटर्स। आगे आफ्टर 20% डिक्रीमेंट इन दी टिकट प्राइस द न्यू विजिटर्स विल बी 144, दैट इज द अमाउंट डिवाइडेड बाई पर टिकट प्राइस, यानी कि 36। तो यहां से क्या समझ में आया कि पहले विजिटर्स कितने थे 20, अब कितने हैं 36। कितने का इंक्रीमेंट आया ये हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट आया 16 का, तो 16 का इंक्रीमेंट आया, इनिशियल कितने थे 20 इंटू 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज इंक्रीज। जितना इंक्रीमेंट आया उसको ऊपर लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू को नीचे लिखते हैं, इंटू 100 दिस विल बी 5 टाइम्स, यानी कि 80%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस हम करते, जैसे कि शुगर के प्राइस में इतना राइज आया है तो बताइए कि 1% कितने अपने शुगर की कंजम्पशन में रिडक्शन करे, कितना परसेंट से रिड्यूस करे जिससे कि उसका जो बजट है वो चेंज ना हो। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। पेट्रोल का प्राइस अगर इतना बढ़ गया है तो बताइए कितना बजट में कितना उसको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा जिससे कि उसका बजट चेंज ना हो। इस तरह के सवालों को हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, आगे अगले सवाल पे आइए। पार्टनरशिप का ये सवाल है, पार्टनरशिप से भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं सीएसआर के अंदर, इस बार आया था तो इसको करिए। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, किस पे, एक तो इन्वेस्टमेंट पे और दूसरा टाइम पे। ठीक है, तो जो टाइम और इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट है वो हमको देता है यहाँ पे प्रॉफिट। जितना ज़्यादा टाइम होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पार्टनर्स के बारे में बात हो रही है, A, B and C। तो इसको अटेम्प्ट करें, बहुत ही अच्छा सवाल है।
ऑप्शन बी ओके। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट का रेशियो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। एबीसी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वी हैव टू फाइंड दैट। उसी के बाद हम बता सकते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, क्योंकि तो हमको यहाँ पे बी का शेयर प्रॉफिट दे रखा है। वी हैव टू फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी, बी आ रहा है। चलो अब देख लो, थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:5:7, यानी कि ए बी और सी ने जो अपना इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताया दैट इज 2:5:7, इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है। अब कह रहा है एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद ए एडेड सम मोर अमाउंट, ए ने क्या करा कुछ और अमाउंट यहां पे ऐड कर दिया। अब क्या करा, 6 महीने तक तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है टू, लेकिन 6 महीने के बाद उसने जो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया। कितना इंक्रीमेंट किया है, सच दैट हिज इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ बी एंड सी, यानी कि 6 महीने तक तो सेम इन्वेस्टमेंट है, टाइम कितना है 6 मंथ, लेकिन 6 महीने के बाद जो नया इन्वेस्टमेंट है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी, बी और सी के जो इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट के हाफ के बराबर है, यानी कि 5 और 7, यानी कि 12, 12 का आधा यानी कि 6, इसका जो नया इन्वेस्टमेंट है दैट इज 6। अब कह रहा है इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के अंत में, यानी कि 6 महीने तक तो इन्वेस्टमेंट कितना किया टू, 6 महीने के बाद जो इन्वेस्टमेंट किया दैट इज 6, और द रेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि अगले 6 महीने के लिए 6 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो साल के अंत में कह रहा है जो बी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना है 4,250। अब देखो बी ने कितने टाइम तक लगाया होगा, 12 महीने, सी ने भी कितने महीने तक लगाया, 12 महीने, यानी कि 1 साल तक सब लगा रहे हैं। ए 6 महीने तक लगा रहा है 2, अगले 6 महीने तक लगा रहा है 6, तो वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट रेशियो, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है इन्वेस्टमेंट और टाइम, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमको क्या देता है, ये देता है हमको प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक तरह से रेशियो देगा। ऑप्शन 2 आ रहा है। देखो दिस विल बी 6 × 2 यानी कि 12, दिस विल बी 6 × 6 यानी कि 36, ये हो जाएगा प्रॉफिट। बी का देखो 12 × 5 यानी कि 60, 12 × 7 यानी कि 84, ये रेशियो होगा इनके बीच का प्रॉफिट का। अब इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो दिस विल बी ठीक है, तो ये फाइनल प्रॉफिट आ गया ए बी और सी का। हमसे ये कह रहा है बी का जो शेयर प्रॉफिट है दैट इज 4,250, यानी कि 5 का मतलब क्या, 5 का मतलब 4,250 दिख रहा है, एक सेकेंड, 5 का मतलब जब 4,250 है तो हमको कह रहा है टोटल प्रॉफिट बताओ, यानी कि 4 + 5 + 7 कुल मिला के 16 का वैल्यू बताना है। 5 का वैल्यू जब इतना है, 1 का वैल्यू कितना है, तो 16 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो बताओ कितना हो गया। सो फाइनली यू विल गेट वन थ्री सिक्स जीरो जीरो रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया ना, इन्वेस्टमेंट और टाइम का हमको करना है प्रोडक्ट दोनों तीनों जगह, और उसके बाद इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, और हमको बी का प्रॉफिट दे रखा है और हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे फिर यूनिटरी मेथड लगा के टोटल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर देंगे। समझ आ गया, स्क्रीन दिख रहा है पूरा प्रॉपर, बिल्कुल
चलो फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन पार्टनरशिप का। आगे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस सवाल करें इसको। सिक्स आ रहा है। ओके और बताइए। ओके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यानी कि जो जो पावर्स है ना, पावर्स को ऐड करके कितना आएगा ये हमको बताना है। पावर्स का वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको 2916 को 3 और 6 के टर्म्स में ब्रेक करें। सो यू हैव टू ब्रेक 2916 इन टर्म्स ऑफ 3 एंड 6। तो इसको फैक्टर्स करिए, पहले तो फैक्टर्स करिए केवल 3 और 6 के, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो समय समाप्त। 2916, अगर इसके फैक्टर्स करोगे, सबसे पहले 6 से अगर करें दिस विल बी 24, 51 बचेगा, 8 टाइम्स 48, 3 और 6 बचेगा यानी कि 4 8 6 6 से हो गया। फिर से करिए 6 से यानी कि 81 बचा, और 81 का मतलब जानते हो, 81 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। 81 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके आपको इस तरह से ब्रेक करना है 2916 को 3 और 6 के टर्म्स में। अब देखो 3 की पावर ए इंटू 6 की पावर बी दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2, राइट। जब भी बेसिस आपके मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपकी जो पावर्स हैं इस तरह से ये चीजें बराबर होती हैं, यानी कि ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2। बेसिस क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो पावर्स भी क्या होंगे फिर बराबर, यानी कि ए प्लस बी विल बी 6। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले ये जो बेसिक दे रखे ना 3 और 6, इनके टर्म्स में इसको ब्रेक करना पड़ेगा और पावर्स इनकी बतानी पड़ेगी, जैसे कि 3 की पावर 4, 6 की पावर 2। देन यू हैव टू कंपेयर दी पावर्स, पावर को कंपेयर करोगे यू विल गेट द वैल्यूज। आगे समझ। जी बिल्कुल। क्लियर, सॉर्टेड। ओके अभी जिस तरह के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि पेट्रोल के प्राइस में इतना इंक्रीमेंट आ जाएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा, तो वैसा ही सवाल है परसेंटेज का।
ऑप्शन सी यानी कि 20% आ रहा है। हमसे कह रहा है जो एक्सपेंडिचर है ना, वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर जो है, जितना उसका बजट है, जितना पैसे वो पहले खर्च करता था, अभी भी उतना ही पैसा अगर खर्च करे, तो हमको ये बताना है कि कितने परसेंट से जो पर्सन है अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा। ओके एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, वेरी गुड राइट। इसी अप्रोच के साथ आप चलेंगे। देखो हमसे कह रहे हैं अ न्यू बजट, इन अ न्यू बजट द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल रोज बाई 25%, यानी कि जो पेट्रोल का प्राइस है 25% से बढ़ जाता है। मान लेते हैं अभी पेट्रोल का प्राइस 100 है, आफ्टर 25% इंक्रीमेंट द न्यू प्राइस विल बी 125। ठीक, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, कंजम्पशन को कितने से कम करना पड़ेगा। भाई हमको नहीं पता कि कितना यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, तो एक वैल्यू को मान लेते हैं कि 100 लीटर यहाँ पे पेट्रोल ये कंज्यूम कर रहा था शुरू में। दिस इज द क्वांटिटी और वी कैन से दिस इज द कंजम्पशन। किसमें? लीटर्स में। और जो प्राइस ये किसमें है? रुपीज में। 100 रुपये प्राइस मान लिया एक लीटर का इनिशियली, और 100 ही लीटर वो खरीद रहा है, तो कुल मिला के कितना खरीदेगा? 100 × 100 यानी कि 10,000 का पेट्रोल वो खरीदता है। दिस इज हिज एक्सपेंडिचर। अब ये कह रहा है एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर ना इंक्रीमेंट होना चाहिए, ना घटना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है वो वही रहेगा, बजट उसका जो है दैट इज 10,000। अगर बजट को चेंज नहीं करेगा, बजट को सेम रखेगा, तो ऑब्वियस ही बात है जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो कंजम्पशन है वो उसको कम करना पड़ेगा। अब उतने ही रेट में पेट्रोल अब कम आएगा, अब कितना कम आएगा हमको नहीं पता, वी डोंट नो, उसका वैल्यू मैंने एक्स मान लिया। सबसे पहले यहाँ से हम उसकी जो क्वांटिटी है, कंजम्पशन की जो क्वांटिटी है वो निकाल सकते हैं। भाई कंजम्पशन की जो क्वांटिटी है दैट विल बी इक्वल टू द टोटल बजट, जितना वो खर्चा कर रहा है, और एक लीटर पेट्रोल की कीमत से इसको डिवाइड कर देंगे। सिंपल। यानी कि 80 लीटर। पहले 10,000 रुपये में 100 लीटर पेट्रोल आता था, अब 10,000 लीटर में केवल 80 ही लीटर पेट्रोल आता है, यानी कि 100 से कितना कम? 20 लीटर कम। और परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो 20% से रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 100 वैल्यू है, 100 से जितना भी कम होगा उतना ही परसेंट रिडक्शन हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो अगर इन वैल्यूज को 100-100 मान के अगर चलोगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। चलो अगला सवाल। अगले सवाल से पहले भाई, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडिपेंडेंस डे में स्पेशल ऑफर यहाँ पे आया है, इसमें फ्लैट 50% आपको ऑफ दिया जा रहा है। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं? एज यू नो दैट CSR नेट, MSc एंट्रेंस गेट, एप्टीट्यूड। अगर आप एप्टीट्यूड अलग से भी कोर्स लेना चाहते हो, यू कैन परचेज दैट। ठीक है, तो इस तरह से आपको फ्लैट 50% ऑफ, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जब भी आप कार्ट में कुछ चीज़ ऐड करो किसी कोर्स को, तो वहाँ पर IFS50 कूपन कोड को अप्लाई करोगे, You will get flat 50% off. All right? क्योंकि हमारे जो बैचेस हैं 14 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको एक बार IFS ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो कम टू द टॉपिक। ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से है, तो इसको जरा करिए और बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
देखो चाहे वर्क एंड टाइम की मैं बात करूं, चाहे पाइप एंड सिस्टम की बात करूं, कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे दोनों काम करते हैं। बिल्कुल चलेगा, एप्टीट्यूड का लेवल वैसा ही रहेगा सीएसआर की तरह, क्योंकि सीएसआर का जो लेवल है एप्टीट्यूड का, दैट इज नॉर्मल, ठीक है, अच्छा लेवल है इसका। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करते हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी एग्जाम, क्योंकि एप्टीट्यूड एक जैसा ही रहता है ऑलमोस्ट। बस आपको क्या करना है, थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेने, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू हैव टू लुक इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कम से कम लास्ट 5 साल के क्वेश्चन को देख के जाया करो, एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का जो पेपर है, किस तरह का जो सिमिलर क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा। बताइए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, उस टैंक को फिल करने के लिए कितना समय यहाँ पे लग रहा है। ऑप्शन 2 7 आवर्स, और बताइए भाई सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके ऑप्शन 2। देखो हमसे कह रहे हैं 3 टैप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 12 15 एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिव, कहने का मतलब ये 3 टैप है, ए है जो कि किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में और सी 20 घंटे में, ठीक। इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटली, अब ये कह रहा है ए को पूरे टाइम तक इसको ऑन रखा जब तक टैंक पूरी तरह से भर नहीं जाता है, लेकिन बी और सी को ओपन कर रहे हम अल्टरनेटली हर एक घंटे में, हर एक घंटे में बी को ओपन किया, अगले घंटे में हमने सी को ओपन किया तो बी को बंद कर दिया, यानी किस कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, जैसे पहले घंटे में ए और बी एक साथ चल रहे हैं, अगले घंटे में ए के साथ सी चल रहा है, फिर अगले घंटे में ए के साथ फिर से बी आ गया, फिर अगले घंटे में ए के साथ सी आ गया, इस तरह से चलते जा रहे हैं, तो बताना कितने समय में इस टैंक को भरा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो टैंक की कैपेसिटी है जिसको मैं वर्क कहता हूँ, वर्क या कैपेसिटी बोल सकते हो, वो मैं निकाल लेता हूँ। कैपेसिटी या वर्क निकालने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 20, द एलसीएम विल बी 60 यूनिट, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। नाउ अब हमको निकालना है इफिशियंसी, वी हैव टू फाइंड द इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब कि भाई एक घंटे में कितना काम हो रहा है, एक घंटे में कितना यहाँ पे फिलिंग हो रही है, अगर 60 यूनिट की फिलिंग करनी है, अगर 12 घंटे में पूरी तरह से फिल कर पाता है तो एक घंटे में कितना करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 5, 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 4, 60 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 3, दीज आर द इफिशियंसीज ऑफ ए बी एंड सी पाइप, राइट। अब काम कैसे हो रहा है, इस तरह से ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, लाइक दैट। सबसे पहले अगर ए प्लस बी फिल करेगा तो ए एक घंटे में कितना काम कर रहा है, राइट, ए एक घंटे में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट, बी एक घंटे में कितना कर रहा है, 4 यूनिट। नेक्स्ट ए कितना कर रहा है यहाँ पे, 5 यूनिट, और सी कितना कर रहा है, 3 यूनिट, कुल मिला के 9 यूनिट काम हो रहा है यहाँ पे, और ए और सी कुल मिला के 8 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि एक घंटे में 9 यूनिट,
अगले घंटे में 8 यूनिट, फिर 9 यूनिट, फिर 8 यूनिट, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, तो आप बोलोगे 17 यूनिट। अगले 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 17 यूनिट। ऐसे ही 17 यूनिट करूंगा काम, 17 यूनिट के पेयर्स में अगर मैं काम करूंगा, मुझे 60 यूनिट काम करना है। तो देखो 60 को अगर डिवाइड करोगे ना, यू विल गेट 51। और कितना काम बच जाएगा, 9 यूनिट का काम बच जाएगा। ये जो 17 यूनिट का जो काम हो रहा है, ये 2 दिन में हो रहा है। ऐसे ही कितने दिन तक चलेगा ऐसा सिलसिला, यानी कि ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे। 3 का मतलब भाई 6 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे, 6 आवर्स तो ऐसे ही लग जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे 17 17 17 के करके अगर काम करोगे, तो यानी कि 2 दिन यहाँ पे, 2 दिन यहाँ पे, 2 दिन यहाँ पे, कितना काम हो गया, 51 यूनिट काम हो चुका है। 51 यूनिट काम यहाँ पे हो चुका है इन 6 दिन में, सॉरी 6 घंटे में। अगर 6 घंटे में 51 यूनिट काम हो चुका है, तो बाकी बचा काम 9 यूनिट। अब किसकी बारी है, बारी है सबसे पहले ए प्लस बी की। कौन करेगा सबसे पहले, ए प्लस बी, क्योंकि 9 यूनिट ही काम बचा है, तो अब ए प्लस बी को करना पड़ेगा, यानी कि ए और बी को एक साथ, यानी कि 9 यूनिट। तो 1 घंटे में काम हो जाएगा, क्योंकि ए और बी केवल 1 ही घंटा लेता है 9 यूनिट काम को करने के लिए, यानी कि 6 आवर्स वो और 1 घंटा और, यानी कि 7 आवर्स। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आया समझ, वो इस तरह से काम हो रहा है, पहले ए बी कर रहा है, फिर ए सी कर रहा है, फिर ए बी कर रहा है, फिर ए सी कर रहा है, इसी तरह से एक बार और ए बी, फिर एक बार और ए सी। ये कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया 51 यूनिट। अगली बारी किसकी होगी फिर, ए बी की, वो कितना करेगा, 9 यूनिट। तो ये कितना हो गया टोटल, 60 यूनिट। कितने घंटे लगे, 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी कर सकते एक ही बार। देख लो एक बार इसको, क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए फिर, अगला सवाल क्या कह रहा है। मिक्सचर्स का ये सवाल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, और बताइए, ऑप्शन बी यानी कि 45 लीटर्स। टाइम ओवर नाउ। हमसे कह रहे हैं अ कंटेनर कंटेन्स 75 लीटर्स ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 15 लीटर्स ऑफ मिल्क टेकन आउट। कहने का मतलब समझे, कहने का मतलब है कि कंटेनर के अंदर 75 लीटर मिल्क है, उसमें से 15 लीटर मिल्क को मैंने बाहर निकाला,
15 लीटर मैंने मिल्क को बाहर निकाला तो कितना बचेगा? वी विल बी हैविंग 60 लीटर ऑफ मिल्क रिमेनिंग एंड रिप्लेस्ड विद वाटर. अब क्या कह रहा है इसमें, 15 लीटर मिल्क को बाहर निकाल के उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया, यानी कि इसमें मैंने क्या करा, पानी डाल दिया. तो उस मिक्सचर के अंदर वाटर और मिल्क, वाटर और मिल्क की जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी 60 लीटर मिल्क 15 लीटर वाटर इन दैट मिक्सचर. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम्स, यानी कि दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट किया मैंने. यानी कि अब ये जो मिक्सचर बचा, जिस मिक्सचर के अंदर 60 लीटर मिल्क है 15 लीटर वाटर है, इसमें से 15 लीटर मैंने क्वांटिटी बाहर निकाली, उसकी जगह फिर से 15 लीटर मैंने पानी डाल दिया. अब भाई पहले जब मैंने निकाला था इसमें से मिल्क, तो इसमें तो प्योर मिल्क था, पूरा का पूरा मिल्क है, लेकिन अब इसमें 15 लीटर पानी भी है. इसलिए जब मैं अगर 15 लीटर उसमें से क्वांटिटी मिक्सचर निकालूंगा, उसमें से कुछ मिल्क निकलेगा, कुछ उसमें से वाटर निकलेगा, राइट? अगर इसमें से कुछ मिल्क और कुछ वाटर निकल रहा है, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर? उससे भी कर सकते हैं, एक तरीका और भी है क्या. अगर 15 लीटर मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, तो मैं ये निकालूंगा कि भाई इसमें वाटर कितना निकल रहा है, कितना वाटर इसमें से बाहर निकल रहा है. वाटर है कितना, वाटर का फ्रैक्शन कितना होगा, 15/75. भाई टोटल मिक्सचर कितना है, 60+15 यानी कि 75. इसमें वाटर कितना है, 15. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब, यानी कि 75 में से जो वाटर है वो कितना है, इट्स 15. तो इसका कितना क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि 3 लीटर. उस 15 लीटर में से 3 लीटर तो मेरा वाटर ही होगा, और बाकी का जो 12 लीटर है, 15 में से 12 लीटर जो होगा दैट विल बी मिल्क, यानी कि 48 लीटर मिल्क बचेगा और 12 लीटर यहाँ पे वाटर बचेगा. ये तो तब की बात है जब मैंने 15 लीटर उसमें से निकाल लिया. अब 15 लीटर उसमें से मैं क्या रखूँगा, वाटर रखूँगा. तो 15 लीटर जब मैंने इसमें वाटर रखा, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर. भाई हमसे तो मिल्क पूछ रहा है, हमको बाकी से कुछ लेना देना है नहीं. We have to find the quantity of milk. ठीक है, हमको मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है, दैट इज 48 लीटर. समझ आ गई बात. हाँ, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि हमको कह रहा है भाई मिल्क की क्वांटिटी बताओ, ना कि वाटर या कुछ. समझ आ गया. क्लियर हो गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल. कोई दिक्कत नहीं है गलत हो गया तो. ये एक ब्लड रिलेशन का सवाल है फ्रॉम रीजनिंग पार्ट, जरा इसको करिए. तो फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले बनाना है फैमिली ट्री. एक फैमिली ट्री बनाओगे, उसके बाद देखोगे क्वेश्चन में क्या पूछा है. ऑप्शन बी, ओके. ऑप्शन टू, ऑप्शन बी, यानी कि अंकल. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन टी इज डैश ऑफ एस, यानी कि टी इज अंकल ऑफ एस. ओके,
शुड बी अंकल, ओके। चलो सबसे पहले इसका हमको फैमिली ट्री बना लेना चाहिए, उससे हमको सब चीज क्लियरली दिख जाएगा। देखो हमसे कह रहा है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। पी क्या है? क्यू की सिस्टर है। क्यू की सिस्टर कौन है? पी। यानी कि कुछ इस तरह से, अगर पी अगर सिस्टर है तो यानी कि यहां पे माइनस लगाऊंगा, यानी कि मुझे पता है ये फीमेल है, राइट। क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर। क्यू कौन है? हस्बैंड है आर का। भाई क्यू अगर हस्बैंड होगा इसका मतलब दिस विल बी मेल एंड दिस विल बी फीमेल। आर इज द मदर ऑफ एस। आर इज द मदर ऑफ एस। आर अगर एस की मदर है तो क्यू और आर एस के क्या होंगे? पेरेंट्स होंगे। टी इज द हस्बैंड ऑफ पी। टी इज द हस्बैंड ऑफ पी। ये अगर हस्बैंड है तो पी क्या है? वाइफ है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन टी इज डैश ऑफ एस। टी कौन होगा भाई? अंकल ही तो होगा। यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, और भाई बहन यानी कि ये जो है इसका ये भाई, इसकी ये बहन है, इसकी सिस्टर है, और ये इसका भाई है। इसके भाई का जो चिल्ड्रंस होंगे इसका ये कौन होगा? अंकल ही तो होगा। यानी कि दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना है, तभी आपको डायरेक्टली रिलेशन समझ में आएगा। और देखो डबल बॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पे कि ये लोग एक कपल्स हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिबलिंग्स। ये क्या है? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब है सगे भाई बहन हो सकते हैं। सिबलिंग्स का मतलब ब्रदर ब्रदर हो सकता है, सिस्टर सिस्टर हो सकता है, या ब्रदर एंड सिस्टर हो सकता है। सिबलिंग का मतलब ये होता है, लेकिन वो लोग रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे। ठीक है, और बाकी प्लस माइनस का मतलब मैंने बता ही दिया, इस तरह से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करी ऐसा सवाल देखो हमसे पूछा जाता था पहले, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। फिफ्टी वन, ओके। ठीक तो एक मंकी क्या कर रहा है? एक पोल पे क्लाइम कर रहा है। ठीक है, 80 मीटर लंबाई हाइट का एक पोल है, उस पर क्लाइम कर रहा है। 5 मीटर ऊपर जाता है तो 2 मीटर स्लिप कर जाता है। ऐसे ही ऑल्टरनेट मिनट्स में काम करता है। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह का एक पोल है जिसमें 80 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये मंकी क्या कर रहा है? अ मंकी क्लाइम्स 5 मीटर इन अ मिनट एंड स्लिप्स 2 मीटर इन ऑल्टरनेट मिनट्स। कहने का मतलब है ये 5 मीटर पहले 1 मिनट में ऊपर जाता है और अगले 1 मिनट में 2 मिनट स्लिप हो जाता है, यानी कि 2 मिनट फिर से नीचे आ जाता है। 1 मिनट ऊपर गया यानी कि 5 मीटर, और फिर 1 मिनट में ये फिर ये 2 मीटर नीचे आ गया।
यानी कि हर 2 मिनट में कितना ऊपर जा रहा है, 3 मीटर्स, क्योंकि 1 मिनट में ऊपर 5, फिर 2 नीचे, यानी कि कुल मिला के केवल ये हर 2 मिनट में 3 ही मीटर जा पा रहा है, केवल ये 3 ही मीटर जा पा रहा है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो 80 मीटर्स है, तो इसको 75 मीटर्स तक एक बार इसको क्या करते हैं, जाने देते हैं, 75 मीटर इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर 3 मीटर की मैं बात करूँ, 3 मीटर में इसको 2 मिनट का समय लग रहा है, तो अगर 1 मीटर चढ़ेगा तो इसको इतना समय लगेगा, और अगर 75 मीटर चढ़ेगा तो इसको इतना समय लगेगा, यानी कि 50 मिनट। कब तक की बात है, जब वो 75 मीटर तक चढ़ रहा है। लेकिन 75 मीटर के बाद क्या होगा, अगले 1 मिनट में ये 5 मीटर चल जाएगा, अगले 1 मिनट में 5 मीटर ये चढ़ जाएगा। तो अगर ये टॉप तक चढ़ गया तो फिर वापस तो नहीं आएगा, यानी कि इसको ये बताना है कि ये टॉप तक कब पहुंचेगा। 50 मिनट में तो ये 75 तक पहुंचेगा, अगले 1 मिनट में ये अगले 5 मीटर चढ़ जाएगा, यानी कि 51 मिनट्स इसको रिक्वायर होंगे, इट इज 50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा इसको रहने दो, पहले ये करो, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ओके, यार हाउ वुड द पेपर लुक लाइक व्हेन अनफोल्डेड। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के भी सवाल आते हैं, इसी बार आया था एक। ऑप्शन सी आ रहा है, ओके ऑप्शन सी। पेपर को कैसे फोल्ड किया गया है ये आपको यहाँ पे दे रखा है, पहले यहाँ पे फोल्ड किया गया है इसके अलाउ, तो उसके बाद जो भी पार्ट बचा है इसको इसके अलाउ फोल्ड किया गया है, फिर इस तरह से। तो जो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है उससे अगर इन क्वेश्चंस को करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन 3, देखो जितने फोल्ड्स होंगे, जितनी लेयरिंग होगी, उतने ही नंबर ऑफ जो होल्स हैं वो होंगे, क्योंकि जितने भी कट्स लगाओगे दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लेयरिंग, कितनी आपने यहाँ पे लेयरिंग करी है। देखो अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर पेपर को यहां से फोल्ड कर रहे हैं, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, उसके बाद फाइनली ये जो पेपर है ये बचा जो डार्क लाइन से शो हो रहा है, उसके बाद इसको यहां से फिर से फोल्ड किया गया और इसके ऊपर रख दिया गया, फाइनली हमारे पास ये एक फिगर ऐसा बना। अब इसको हमने दो तरफ से काटा है, एक यहां से एक यहां से। जैसे कि आपको पता है भाई, ये वाला जो होल है ना ये सिंगल लेयरिंग है, तो यहाँ पे कोई भी डबल लेयरिंग नहीं है, तो यानी कि ये तो एज इट इज रहेगा, इसको अगर मैं अनफोल्ड करूंगा दैट विल बी सेम, यानी कि ये ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी कि यहाँ पे तो कुछ पता नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो अगर इसको आप अनफोल्ड करोगे तो इसको मान लो ये मिरर है, ये दिस इज अ मिरर, इसको अगर अनफोल्ड करोगे, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है मिरर, जहाँ से फोल्ड किया गया उसको मिरर मान लिया करो, यानी कि ये हो गया। अब इसको इस वाले फिगर में अगर देखें तो इस तरह का दिखेगा। अब इसको अनफोल्ड करना है ऊपर की तरफ, यानी कि इसको आप मिरर मान लो, अगर ये मिरर है तो
उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे इस तरह से, यानी कि इस तरह का आपको फिगर बनेगा, और एक फिगर तो यहाँ पे था, यानी कि दिस विल बी द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। क्लियर? देखो एक क्वेश्चन और है, इसको आप करो, एक और है, कैसे कट किया, कैसे फोल्ड किया गया है वो चीज एक बार देख लो। डायगोनली कर रखा है इसको फोल्ड, और उसके बाद क्या क्या कर रखा है वो सब दे रखा है। करिए इसको, ऑप्शन डी 4। ओके, पी आर आंसर डी आर आई। ओके, मिरर इमेज मान के करोगे क्वेश्चन, बहुत ही आसान, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी आंसर आ रहा है, डी 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 डी। ओके, कैसे इसको फोल्ड किया गया है ये आपको पता है। सबसे पहले इस फिगर को डायगोनली, यानी कि इसके अलोंग फोल्ड किया गया, तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म इस तरह से ट्रायंगलिक बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद इसको यहाँ से फोल्ड किया गया, यानी इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखा गया, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से रखा गया होगा, और इस वाले पार्ट को, इस ट्रायंगुलर पार्ट को इसके ऊपर रखा गया, यानी कि फाइनली ये एक फिगर बना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसे। और यहाँ पे दो कट्स लगाए गए, सर्कुलर कट हैं इस तरह से। अब दोबारा से इसको ओपन किया गया। अब ओपन कैसे होगा, देखो जैसे फोल्ड किया गया वैसे ओपन भी होगा। इस वाले पार्ट को इसके अलोंग ओपन करना, यानी कि ये वाला पार्ट इसके ऊपर जाएगा, किस तरह का दिखेगा, इस तरह का। और ये जो कट है, अगर इसको आप मान लेते हैं ये एक मिरर है, अगर ये मिरर है इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर मिरर से इसका इमेज बनेगा। वैसे ही अगर इसको मैं मान लूँ ये एक मिरर है, क्योंकि इसके अलोंग इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ही ओपन होगा, तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगा लाइक दिस। सिमिलरली अब ये पूरे पेपर को, यानी कि यहाँ से डायगोनली इसको मान लो, दिस इज अ मिरर, अगर ये मिरर है तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पर, इसका इमेज बनेगा इस वाले कॉर्नर पे, इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, और इसका इमेज बनेगा यहाँ। तो कुछ इस तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा, इस दो दो के ऐसे पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लाइक दिस। ये इस तरह से स्कैटर्ड नहीं बनेगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आया समझ? कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या? ओके, क्लियर है ना? चलो, तो फिर ये हमने किए क्वेश्चंस आज, तो आप लोग क्या करो, इन क्वेश्चंस को एक बार देखना है तो आप देख सकते हो अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि तो इसका पीडीएफ आपको आईएफएस एप्टीट्यूड जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली बेसिस पे मिल जाता है, तो वहाँ से आप लोग इसको कलेक्ट कर लेना। तो आज के क्वेश्चन में
आज के जो सेशन है उसमें इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे एज अ होमवर्क मान के, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है? इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। हो क्या रहा है, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है 100 मीटर की हाइट से, और उसके बाद ये बॉल क्या कर रही है, बाउंस कर रही है। किस तरह से बाउंस कर रही है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एक बार पढ़िए और फिर उसका आंसर निकालिए, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आप लोग जुड़ जाया करो, जो भी आज बहुत से नए स्टूडेंट्स मुझको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप लोग जुड़ जाया करो, यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है। बाकी सारे चैनल्स पे भी क्लास जाता है, लेकिन वो 2 या 1 दिन पहले का क्लास रहता है, ठीक है? अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे डेली 11 बजे आ जाया करो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहो। एग्ज़ाम अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास CSNET एग्ज़ाम के लिए, तो अभी से आप लोग प्रिपेयर कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू, ओके।